हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं ICSJRF 2015 फिशरीज साइंस सॉल्व पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन इस टाइप का स्टेरॉइड हार्मोन से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। तो इनमें से आंसर हो जाएगी गोनाडोट्रोपिन, जो कि एक सेक्स हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है उलर लेक सिचुएटेड इन, तो उलर लेक इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। C14 मेथड यूज इन एस्टिमेशन ऑफ, C14 मेथड जो आइसोटोपिक मेथड है जो एस्टिमेशन ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब रेट जहां से एनर्जी को ऑर्गेनिक मटेरियल में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंजर्व किया जाता है, जो प्लांट जो फोटो ऑटोट्रॉप्स करते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एस्टिमेशन के लिए C14 मेथड यूज होती है। विंकलर मेथड यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब DO, जो वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए यूज होती है। सेटाई इट इज रिलेटेड टू पिग। बेशे दे मार इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो बेशे दे मार एक टाइप का क्यूजीन है और ये प्रिपेयर्ड होती है फ्रॉम सी क्यूकम्बर, एक टाइप के एनिमल है, सी एनिमल्स है, तो सी क्यूकम्बर से बेशे दे मार इज प्रिपेयर्ड। आइसिंग ग्लास इज यूज फॉर, आइसिंग ग्लास यूज होती है क्लीनिंग ऑफ वाइन। एट क्वेश्चन है अटैचमेंट ऑर्गन ऑफ मसल। मसल की अटैचमेंट ऑर्गन होती है बाइसेप्स थ्रेड। बाइसेप्स थ्रेड एक टाइप का जो फिलामेंट टाइप का जो थ्रेड्स होती है, जो अटैचमेंट कोई सॉलिड एडजेसेंट से अटैचमेंट करने के लिए मसल्स जो ग्लास का यूज करते हैं। अटैचमेंट ऑर्गन ऑफ जेलीफिश। जेलीफिश के लिए जो अटैचमेंट ऑर्गन होती है ये होती है ट्यूब फिट। टेंथ क्वेश्चन है स्क्विड जिगिंग। स्क्विड जिगिंग इज डन बाय, स्क्विड जिगिंग एक टाइप का एक फिशिंग टाइप है जो स्क्विड फिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है यूजिंग द नेट। एंड यहाँ पर अंडर वाटर लाइट्स, मूवमेंट ऑफ द जिग्स एंड कलरफुल ब्लेड बेट, ये तीनों ही यूज किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड। फ्रेश वाटर फिश, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश इन द वर्ल्ड हो जाएगी हसो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्लैडियस पंक्टस इज, पंक्टस इज क्लैडियस पंक्टस का जो क्रोमोसोम नंबर होती है 2N=32। लर्निंग इज पर्पजफुल कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज, इनमें से कौन सी लॉ के अंदर लर्निंग इज पर्पजफुल ये कमेंट आती है। ये आती है अंडर प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। ऑयल सर्डिन प्रोडक्शन इज हाइस्ट इन द स्टेट ऑफ, ऑयल सर्डिन प्रोडक्शन इट इज हाइस्ट इन केरला। सीवेज फीड एक्वाकल्चर, सीवेज फीड एक्वाकल्चर इज एन ओल्ड एज प्रैक्टिस एंड इट इज फॉलोड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगल एंड केरला। रोस्टल पार्ट डिस्टलिस इज ऑल्सो नोन एज, रोस्टल पार्ट डिस्टलिस एक्चुअली डिस्टल पार्ट होती है, जो रोस्टल है रोस्टल जो डिस्टलिस पार्ट जो रोस्टल एक टाइप का एक होता है प्रॉक्सिमल। तो इनमें से जो प्रो एडिनो हाइपोफाइसिस हो जाएगी रोस्टल पार्ट डिस्टलिस। जो एंटीरियर एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब जो एंटीरियर पिट्यूटरी उसका और एक नाम होती है एडिनो हाइपोफाइसिस, जो रोस्ट्रल पार्ट डिस्टलिस हो जाएगी प्रो एडिनो हाइपोफाइसिस। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर स्टार्टेड इन विच कंट्री, तो इंटीग्रेटेड फिश कल्चर ये कॉन्सेप्ट आई थी चाइना से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायबेसिक एसिड, डायबेसिक एसिड में ये सब एसिड होती है जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है दो, तो H2S पर यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है टू, तो इसीलिए इसका नाम होती है डायबेसिक एसिड। कार्प विथ फ्रिंज माउथ, कार्प विथ फ्रिंज माउथ जो फ्रिंज माउथ प्रेजेंट होती है रोहू। आरडी मोर्टेलिटी सिंड्रोम और एक्विट हेपाटो पैनक्रेटिक नेक्रोसिस सिंड्रोम इन श्रिम्प एंड इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस, इसी के कारण EMS होती है इन श्रिम्प। व्हिच इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड होती है अटलांटिक। मेगालोपा लार्वी इज रिलेटेड विथ क्रैब। फाइलोसोमा लार्वी इज रिलेटेड विथ, फाइलोसोमा लार्वी हो जाएगी लॉबस्टर से और मेगालोपा लार्वी हो जाएगी क्रैब्स से रिलेटेड। गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम, इसका आंसर हो जाएगा ऑयस्टर, जो कि गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम जाना जाता है।
लार्जेस्ट टर्टल ग्राउंड इन इंडिया, इंडिया में लार्जेस्ट टर्टल ग्राउंड इट प्रेजेंट इन ओडिशा, जिसका जहां इसका नाम है भितरकनिका, भितरकनिका ओडिशा में प्रेजेंट है और ये है लार्जेस्ट टर्टल ग्राउंड इन इंडिया। ऑयस्टर लार्वी इज मेनली फेड अपन बाय, तो ऑयस्टर लार्वी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, जिसको आइसोक्राइसिस, थैलासिसोसिरा एंड केटोसेरोस, ये तीनों से फीडिंग किया जाता है, इसलिए ऑयस्टर लार्वी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगी। साइंटिफिक नेम ऑफ कॉवरी कार्प, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेबियो कॉन्टिकस। फिश मिल लैक्स इन लाइसिन एंड मिथियोनिन। एग्जाम्पल ऑफ एनसर्किल गियर, तो एनसर्किल गियर ये यूज होती है पार्से सेंग इस टाइप का फिशिंग कल्चर में, फिशिंग टाइप में एनसर्किल गियरिंग जो मोस्टली यूज होती है टू कैच द टूना फिशेस एंड नाउ इट इज बैंड, अब ये बैंड होता है, बैंड किया गया है इस टाइप का फिशिंग नेचर को। सिंथेसिस ऑफ द सीडीएनए फ्रॉम द आरएनए इट इज नोन एज, तो आरएनए से जब सीडीएनए का जो सिंथेसिस प्रोसीड्योर है इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स क्यों? क्योंकि आरएनए से जनरली सेंट्रल डॉग्मा के अकॉर्डिंग डीएनए से आरएनए होती है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए, सी डीएनए हो रहा है जो कम्प्लीमेंटरी डीएनए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिश ऑयल रिच इन विटामिन ए। स्मॉलेस्ट शार्क का यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से हो जाएगा एंटोप्टेरस पायरेई, तो एंटोप्टेरस पायरेई जो लैंटर्न शार्क है तो यह हो जाएगा स्मॉलेस्ट शार्क। इंडियन नेशनल फिश हो जाएगी इसका आंसर राष्ट्रीय लेजर कानागुट्टा, जो मैक्रल, इंडियन मैक्रल फिश, तो ये राष्ट्रीय लेजर कानागुट्टा एक इंडियन नेशनल फिश होती है। कन्वर्शन ऑफ एमोनिया टू नाइट्राइट इट इज नोन एज, एमोनिया NH2 से नाइट्रेट NO3 कन्वर्शन को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्शन हो रही है। ग्रेटर BOD लेवल इंडिकेट्स, जब BOD लेवल हाई है तब डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ये यही इंडिकेट करती है। हाइस्ट एरिया अंडर ऑक्स बो लेक्स इज प्रेजेंट इन ऑक्स बो लेक्स, ये इसका हाइस्ट एरिया इज प्रेजेंट इन असम स्टेट में। लेंथ वेट रिलेशनशिप, और ये दिए थे लेक्रेन। Which of the following formula indicates length-weight relationship? Length-weight relationship में weight equals to AL to the power B, ये formula indicate करते हैं length-weight relationship। Thermocline it is related to, thermocline is related to density difference। Next है the layer that separate upper layer of the water from the lower layer, जो लेयर पर्टिकुलरली लोअर एंड अपर लेयर ऑफ द वाटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका हम लोग बोलते हैं थर्मोक्लाइन, जो डेंसिटी डिफरेंस को, डेंसिटी डिफरेंस से रिलेटेड होती है, और थर्मोक्लाइन इज ऑल्सो नोन एज मेटल इम्नियन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ, तो इसका सही आंसर हो जाएगी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एन एब्जॉर्बिंग स्पीशीज, इसमें जो रिलेशनशिप स्टैंड आउट होती है ये बियर लंबस लॉ से जाना जाता है। एग्जाम्पल ऑफ शुगर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो बैसिलस हो जाएगी जो रिड्यूसेस शुगर्स। एग्जाम्पल ऑफ सल्फर रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, इसका आंसर हो जाएगा थायो बैसिलस। बोटुलिनम कुक इट रेफर्स टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2.52 मिनट, ये इस तरीके जो प्रेस्क्राइब कुकिंग टाइमिंग होती है, जो टेम्परेचर होती है, इसको बोटुलिनम कुकिंग बोला जाता है। फर्स्ट कैनिंग प्लांट इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन, ये एस्टेब्लिश हुआ था कालीकट ओडिशा में। फादर ऑफ कैनिंग, तो फादर ऑफ कैनिंग ये कहाँ होती है, फादर ऑफ कैनिंग होते हैं निकोलस एपर्ट। फर्स्ट फ्रोजन फिश इंडस्ट्री वॉज एस्टेब्लिश इन, फर्स्ट फ्रोजन फिश इंडस्ट्री ये कहाँ था, ये था केरला में। मॉइस्चर कंटेंट इन मॉइस्ट फीड मॉइस्चर कंटेंट होती है 30-50%, मॉइस्ट फीड में मॉइस्चर कंटेंट होती है 35-50%, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थिकनेस ऑफ फ्लेक आइस की थिकनेस कितने होती है, इसका सही आंसर हो जाएगी 2-3 मिलीमीटर। फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ एयर ब्लास्ट फ्रीजर में जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होती है -35 to -40 degree centigrade। एनोवा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियंस, स्टैटिस्टिकल टर्म है। लैंड स्टैंड्स फॉर
लैंड स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन आया है, लैंड स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, और रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसी के साथ एफसीए एजीएम टेक्निकल के लेकर बहुत सारे सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिला जाएगा, मॉक टेस्ट भी हो रही है। अगर आप उस वीडियो का अभी तक नहीं देखे हो तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके आप एक बार देख सकते हो, विजिट कर सकते हो, और किसी ना कोई फ्रेंड जो प्रिपरेशन ले रही है आपको उसको रिकमेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस टाइप के वीडियोज। पीक ब्रीडिंग सीजन ऑफ ऑयल सर्डिन इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में जो ऑयल सार्डिन की पीक ब्रीडिंग सीजन ये होती है बिटवीन अगस्त टू अक्टूबर सीजन। द मंथ यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन इन इंडिया मरीन फिशरीज, इंडियन मरीन फिशरीज में डेटा कलेक्शन के लिए जो मेथड ये होती है, मेथड में इसका नाम होती है स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन, SMRSD। ये स्ट्रेटिफाइड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग डिजाइन होती है, यूज होती है फॉर डेटा कलेक्शन। Who among the following is a great etiologist? Sir Francis Day. Cooling medium in desiccators. ये इसमें हो जाएगा water and ice, mineral oil, glycerin. ये सब कोई cooling medium use होती है in desiccators. Ukai reservoir is present in. It is present in Gujarat. First scientific fish farm in India was established in. तो ये हुआ था आंध्र प्रदेश में, सन केशुला में, जो आंध्र प्रदेश के सन केशुला में फर्स्ट साइंटिफिक फिश फार्म एस्टेब्लिश्ड हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज डोमिनेंट इन सौराष्ट्र कोस्ट ऑफ गुजरात, गुजरात के सौराष्ट्र कोस्ट में फॉलोइंग स्पीशीज प्रेजेंट होती है डोमिनेंट, ये होती है धोमा। विच ऑफ द फॉलोइंग गियर इज यूज टू कैच द धोमा अलॉन्ग गुजरात कोस्ट, तो ये आंसर हो जाएगा डॉल नेट, जो डॉल नेट यूज होती है टू यूज अ कैच धोमा अलॉन्ग द गुजरात कोस्ट। कातला इज ए सरफेस फीडर, कातला एक सरफेस फीडर का नाम है। विच फैमिली ऑफ फिशेज हैज लैटरल एक्सटेंडेड एक्सटेंड टू द कॉडल पेडंकल, Which family of the fishes, इनमें से कौन सी फैमिली ऑफ फिश है जिसका लेटरल लाइन एक्सटेंडेड टू कॉडल पेडंकल होती है, जिसका इसका आंसर हो जाएगी सेंट्रोपोमिडा। Which fishes have three lateral lines, three lateral line ये प्रेजेंट होती है कॉड आई फिशेस में। Which of the following is a demersal fish, demersal fish हो जाएगा बाराकोडा में demersal fish। Permanently plankton feeding fish, ये हो जाएगी सिल्वर कर्ब, जो permanently plankton feeding fish होती है। Stocking density in polyculture per hectare 5000 to 1 lakh. Sorry, 5000 to 10000 हो जाएगी इसका पॉलीकल्चर, 5000 टू 10000 हो जाएगी पॉलीकल्चर पर हेक्टर का स्टॉकिंग डेंसिटी। क्वांटिटी ऑफ फिशरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन 2013-14 ये था अमाउंट था 1051243, तो अमाउंट बहुत ह्यूज था जो क्वांटिटी 2013-14 में, बाद में ये और भी लेटेस्ट रिपोर्ट आपको एक बार देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन 2015 बेस्ड है, तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो लेटेस्ट स्टेटस आपको एक बार देखना है स्टैटिस्टिकल डेटा। द चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल लीड टू चेंजेस इन द अदर, दिस चेंज कैन बी मेजर्ड बाय कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मतलब एक वेरिएबल के वैल्यू चेंज करने से और एक की कितने वैल्यू में चेंजेस हो रही है इसको प्रिडिक्ट करने के लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट इट इज यूज्ड। नेस्ट बिल्डर गोरामी, एग बर्डियर ये हो जाएगी किल्ली फिश। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया में कोस्ट लाइन टोटल लेंथ होती है 8118 किलोमीटर। फिश लाइफ होती है आर्गुलस। सैडल बैक डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय फ्लेक्सीबैक्टर कलमनारिस। फरुनक्यूलोसिस इट इज कॉज्ड बाय एरेमोनास। धन बॉय इट इज यूज्ड इन ये होती है टूना लॉन्ग लाइन के लिए, धन बॉय यूज होती है। इंस्ट्रूमेंट यूज इन मेजरमेंट ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द सी की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लेंथ मेजर करने के लिए सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होती है। ड्रेडगर्स आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग मोलास्क, मोलास्क इनवर्टिब्रेट होती है जो आर्थ्रोपोडा के बाद होती है, तो ड्रेडगर्स आर यूज फॉर हार्वेस्टिंग द मोलास्क। साइंटिफिक नेम ऑफ द ब्लीडिंग हार्ट टेट्रा ये हो जाएगा हाइफेसिस ऑफ ब्राइकन एडिथ्रो स्टिग्मा, इसका साइंटिफिक नेम आपको याद करना पड़ेगी।
ideal ratio of icing ice is to fish in the tropical areas में जो recommended ideal ratio होती है 1:1. Tata established a Mahasheer hatchery and it is at Lonavala. Truly estuarine species are estuarine fishes. Species में truly estuarine species में हो जाएगा urahaline. Urahaline जो salt concentration high level तक tolerate कर सकते हैं, stenohaline जो salt concentration high level तक tolerate नहीं कर पाता है. Recommended carbohydrate level in feed for IMCs. IMCs को जो recommended carbohydrate level होती है 22-26%. Grass carp का scientific name है क्या? Tenopharyngdon aerella. Fish glue prepared होती है fish skin and fish bone दोनों से ही. Total ATP molecules produced in anaerobic TCA cycle होती है 2. NBFGR, it is situated in NBFGR National Bureau, ये present होती है लखनऊ में. Jayanti Rahu and it is an example of selective breeding. Breeding mops required in case of egg scatters. Gear used to catch the Bombay duck. Bombay duck को catching करने के लिए जो doll net gear use होती है. Breeding season of ladyfish. Ladyfish के breeding season होती है June to October. Silver bellies are dominant along which coast of India? तो silver bellies dominant होती है southeast coast of India. Crawling stage of oyster और इसका जाना जाते हैं pediveligar stage से. Which marine fish species was successfully bred by the CMFRI recently? तो ये आंसर हो जाएगी silver pompano जो successfully bred हुआ था by CMFRI. The caudal fin of the Bombay duck and it is the trilobed. ये trilobed है. Enteric fever is caused by salmonella. Salmonella enteric fever cause करते हैं. Largest freshwater lake ये होती है उलर्ड. Sterile fish उलर्ड जो पहले क्वेश्चन था जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है. Sterile fish it is triploid. Causative agent of WSSV तो ये होती है due to virus. Boiling point of liquid nitrogen ये बहुत important question है, ये हो जाएगा -196 degree centigrade. Test for comparison of sample means compare करने के लिए हम लोग t-test use करते हैं. Pearl spot belongs to family. Pearl spot ये cichlidae families के belong करती है. Incubation period of the crab eggs के लिए जो incubation period होती है 8-15 days. Scientific name of yellowfin tuna. Yellowfin tuna का scientific name होती है Thunnus albicans. The species mostly exported in the frozen condition होती है L. vanamein. Which DNA is derived from bacteria for its identification? तो ये होती है particularly mitochondrial DNA जो bacteria से आए हैं. Which vitamin is lost in canning process? इनमें से विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी वन, थायमिन, तीनों ही विटामिन लॉसिंग होती है ड्यूरिंग द कैनिंग प्रोसेस. एकॉर्निया इज ए टाइप ऑफ फ्लोटिंग वीड. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. द पॉइजन प्रेजेंट इन द महुआ ऑयल केक. महुआ ऑयल केक में जो अल्कलॉइड प्रेजेंट होती है सैकोनिन जो की एक पॉइजन है. 1 nautical mile इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर. ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया. Chank resources are most abundant in which region? So chank resources are abundant in Ramanathsagar to Tirunelveli. So ye jo region mein jo chank resources mostly abundant hoti hai. Maximum mangrove area in India present in West Bengal. N-acetyl-N-D-glucosamine it is present in chitin. Jo nag nam ye jo hoti hai inme se jo nag hoti hai ye chitin mein present hoti hai. Blackening in shrimp. Shrimp में जो ब्लैकनिंग होती है इट इज ड्यू टू द पॉलीफेनॉक्सिलिडेज. ये एंजाइम के लिए, इस एंजाइम की फंक्शन की एक्टिविटीज के लिए श्रिम्प में ब्लैकनिंग होती है. वर्ड एक्सटेंशन ये डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्सटेंशियो आउट स्ट्रेचिंग, यहाँ से आए एक्सटेंशन. हाई पावर्ड फ्लैट बॉटम क्राफ्ट इट इज रेफर्ड टू टग्स. हाई पावर्ड जो फ्लैट बॉटम क्राफ्ट होती है इसको बोला जाता है टग्स. लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस मेल्टिंग की जो लैटेंट हीट होती है 80 किलो कैलोरी पर
kg. Suitable freezing method for small and even sized prawns. ये होती है fluidized freezer. Peculiarity of fish heart is that it has all venous blood. Fish heart की जो peculiarity होती है क्योंकि ये क्या all venous blood होती है. Indian major carp breeds during monsoon in rivers. इन major carp breeding season होती है जो monsoon में, ये कहाँ होती है? Rivers में. LM by L alpha is an index to reproductive stress. रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस को एस्टिमेट करने के लिए जो इंडेक्स हम लोग यूजुअली रेफर करते हैं एल एम बाई एल आल्फा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लिविंग मैन्योरिंग मशीन, ये हो जाएगी डक. विच स्टेट हैज हाइस्ट एरिया ऑफ ऑक्सबो लेक्स, इट इज प्रेजेंट इन असम. टोटल ईईजेड एरिया ऑफ इंडिया इज 2.02 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. विच स्टेट हैज हाइस्ट एरिया ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज्यादा होती है गुजरात में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्जिनल वीड, आइपोमिया एक टाइप का एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनल वीड. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट, एमएस एक्सेल होती है डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए. साइंटिफिक नेम ऑफ अंटार्कटिक क्रिल, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगी यू फॉसिया सुपरबा. डिस्पर्शन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हो जाएगी वेरियंस, जो कि एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर होती है. द पॉइंट एट विच फोटोसिंथेसिस रेट एंड द रेस्पिरेशन रेट इज इक्वल, इसको बोला जाता है कंपेंसेशन डेप्थ. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय प्रोड्यूसर, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल होती है प्रोड्यूसर से. आरबीसी फाउंड इन फिश इज न्यूक्लिएटेड, तो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल जो फिश में जो प्रेजेंट होती है ये हो जाएगी न्यूक्लिएटेड. इंडिकेटेड ऑर्गेनिज्म ऑफ हेरिंग, हेरिंग के लिए जो इंडिकेटेड ऑर्गेनिज्म होती है कैलानस. रैपिड रेंसिडिटी, इट इज फाउंड इन प्रूफ ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. आइडियल हेड स्पेस ऑफ ए कैन, ये होती है 10 मिलीमीटर. बैक्टीरियल किडनी डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय रेनी बैक्टीरियम सल्मोनेरियम, जो बैक्टीरियल किडनी कॉज करते हैं. व्हर्लिंग डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय द मिक्सोबोलस सेरेब्रलिस. उलर लेक, इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. हार्पोडन स्क्वामोसस, इट इज फाउंड अलोंग विद साउथ ईस्ट कोस्ट. रेशियो बिटवीन द टोटल लाइबिलिटी एंड नेट वर्थ, इट इज कॉल्ड द डेट इक्विटी रेशियो. जहां पे टोटल लाइबिलिटी क्या क्या है और नेट वर्थ क्या है, इसका जो रेशियो ये हो जाएगा डेट इक्विटी रेशियो. लेबियो बाइकलर, इट इज नोन एज रेड टेल्ड ब्लैक शार्क. सिल्वर बेली, ये सिल्वर बेली प्रेजेंट होती है तमिलनाडु कोस्ट में. द फिशिंग मेथड विच इज हाईली सिलेक्टिव एंड टारगेटेड विद लिटिल और नो बाय कैचिंग, तो ये हो जाएगी पार्श्वसेनिंग. जो फिशिंग कल्चर है जो टूना फिश का यूज होती है, जो ये हाईली सिलेक्टिव होती है एंड टारगेटेड विद लिटिल और नो बाय कैच. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑन विच टीसी डिपेंड्स, ये होती है फिश की एज, फिश की एज के ऊपर टीसी डिपेंड करती है. द डाइवर्सिटी इन मेरीन पेलाजिक इकोसिस्टम, इट डिक्रीजेस विद द डेप्थ. डेप्थ जितना इंक्रीज होती है जो पेलाजिक इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी उतना गिरती रहती है. NMLRDC, इट इज लोकेटेड इन कोची. ट्रीटमेंट ऑफ मॉल्ट डेथ सिंड्रोम इन लॉबस्टर, इट इज डन बाय द प्रोवाइडिंग सफिशियंट न्यूट्रिशियस डाइट, तो इसके कारण मॉल्ट डेथ सिंड्रोम होती है लॉबस्टर में. स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, जो SDA, एंड इट इज कंसिडरेबली हायर फॉर प्रोटीन. द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट कोस्टल लेंथ, जो दमन एंड दीव में प्रेजेंट है. जो मतलब स्मॉलेस्ट कोस्टल लेंथ ये होती है दमन एंड दीव. बेंथिक जोन्स बिटवीन द 4000 एंड 600 मीटर, इट इज कॉल्ड द एबिसल. एबिसल जो बेंथिक जोन 4600 मीटर के अंदर पड़ती है. बल्क ऑफ मैकरल कैच इन साउथ वेस्ट, SW, साउथ वेस्ट कोस्ट में बल्क ऑफ मैकरल कैच होती है. डीप सी फिशिंग वेसल, तो ये होती है 20 मीटर, जो डीप सी फिशिंग वेसल 20 मीटर डेप्थ का होती है. व्हाट इज अ मैट्रिक्स मैस्टाक्स इन ए रोटिफर फॉर, तो रोटिफर मैस्टाक्स ये होती है फूड ग्राइंडिंग के लिए ये यूज होती है. ऑयस्टर कंट्रीब्यूशन इन टोटल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, ये होती है ऑयस्टर के 10%. आप एक बार रिसेंट डेटा देख सकते हो ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं. यूरासिल, इट इज फाउंड इन आरएनए. यूरासिल एक्सक्लूसिवली आरएनए में प्रेजेंट होती है.
क्योंकि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होती है, आरएनए में थायमिन की इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह आज के जो सेशन 158 2015 का सॉल्व क्वेश्चन ऑफ फिशरीज आई से जेरेफ खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है। अगर रही है तो अगर इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एफसीआई रिलेटेड एग्जाम्स और इसी के साथ एसआरबी फिशरीज के भी बहुत सारे लेक्चर्स और प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप वो सब वीडियोज भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।